एक तेरे ही ते ओके तो अभी आप जो स्क्रीन पर इस तरह का वीडियो देखकर यहाँ तक आए हो ना जान, आज की इस वीडियो में आपको इसी तरह का लोफी स्टेटस वीडियो एडिटिंग सिखाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे कि आप एक वीडियो देखने के बाद इस तरह का लोफी स्टेटस वीडियो एडिटिंग बनाना सीख जाए। एंड उसी के साथ इसमें जितने मटेरियल मैं यूज करूंगा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी चले जाइएगा, वहां पर भी मैं एक एक करके पिन कर दिया, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो बने रहना वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भैया का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हो YouTube चैनल बिक्की करेक्ट। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां पर आपको 100% वारंटी के साथ वीडियो में भी गारंटी देता हूं। सो अब मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको अपना BN एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। देन ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहां पर प्लस के आइकन पर टैप कर देना है और आपको यहां पर न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। यहां से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, आपको फोटो वाले सिंबल पर टैप कर देना है। देन यहां से आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। देन फोटो पर टैप करेंगे और आपको यहां पर तीर के सिंबल पर टैप कर देना है, ये फोटो आपका BN एप्लीकेशन में आ जाएगा और आपको यहां पर लास्ट में आ जाना है। यहां पर आपको एक वाटरमार्क देखने को मिलता है ब्लैक कलर का, यहां पर आपको टैप करना है। देन टैप करने के बाद आपको यहां पर डिलीट कर देना है। देन आपका वाटरमार्क यहां से डिलीट हो गया है। अब आपको अपनी फोटो पर एक बार टैप करना है। देन टैप करने के बाद इसका ड्यूरेशन आपको 10 से 15 सेकंड तक बढ़ा लेना है, लाइक जितना देर का आप अपना वीडियो बनाना चाहते हो यहां से आप लोग बढ़ा लीजिएगा। तो मैं 10 सेकंड तक यहां से बढ़ा लिया हूं, आप भी अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। और आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है। अब आपको यहां पर फर्स्ट में आ जाना है, आपको ऊपर साइड में ओरिजिनल का ऑप्शन है, यहां पर आपको टैप करना है। देन टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहां पर आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है। अब आपको यहां पर अपने फोटो पर एक बार टैप करना है। देन टैप करने के बाद आपको अपने फिंगर से इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देंगे। देन स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहां पर आपको BG के ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन टैप करने के बाद आपको यहां पर इमेज पर टैप कर देना है। देन यहां से आपको अपने हिसाब से ब्लर को एडजस्ट कर लेना, लाइक जितना आप ब्लर रखना चाहते हो उतना आप यहां से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर 15 के करीब मैं रखने वाला हूं, सो यहां से मैं 15 के करीब रख लिया हूं और आप भी अपने हिसाब से रख लीजिएगा और आप यहां पर राइट के निशान पर टैप कर दीजिएगा। सो इतना करने के बाद आपको यहां पर प्लस के आइकन पर टैप करना है जान, एंड यहां पर आपको वीडियो फोटोज पर टैप करना है। यहां से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आपको यहां पर एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सो यहां पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो पर टैप करेंगे एंड ये आपका BN एप्लीकेशन में आ गया है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन है फिट का, इस फिट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टैप कर देना है। देन ये आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको एक देख लेना है क्रोमा की का ऑप्शन, ये क्रोमा की का ऑप्शन है, इस पर आपको टैप करना है। देन आपको इस प्लस वाले आइकन को उठा के ब्लू वाले पर रख देना है। इतना करने के बाद आपको इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लाइक 30 या 31 के करीब आपको रख देना है। 33 करीब मैं रखा हूँ, आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। देन एडजस्ट करने के बाद आपको राइट के निशान पर टैप कर देना है। देन यहाँ से आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा और बिटरेट को हाई करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको राइट के निशान पर टैप कर दीजिएगा, ये वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो एक्सपोर्ट कर लेते हैं वीडियो। तो देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई है। अब आपको सेव ओनली कर देना है एंड यहाँ से आपको प्लस के आइकन पर दोबारा से टैप करना है और आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। दोबारा से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, आपको फोटो वाले ऑप्शन पर दोबारा से टैप करना है एंड आपको अपना फोटो दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फोटो के ऑप्शन पर टैप करेंगे और आपको तीर के निशान पर टैप कर देना है, ये आपका BN एप्लीकेशन में दोबारा से आ जाएगा। जान ध्यान देना है, यहाँ से आपको लास्ट में आना है और आपको इस वाटरमार्क पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, ये वाटरमार्क आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आपको अपने फोटो पर टैप करना है, आपको अपनी फोटो का ड्यूरेशन अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जितना आपने फर्स्ट में किया था उतना ही आपको इसमें भी कर लेना है। देन आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है एंड आपको फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद आपको ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर टैप करना है। देन टैप करने के बाद आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर प्लस का आइकन है, इस पर आपको टैप करना है। देन टैप करने के बाद आपको वीडियो फोटोज पर टैप करना है और आपने जो फर्स्ट बार में अपनी फोटो को ग्रीन स्क्रीन वीडियो के साथ एक्सपोर्ट किया था उसी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सो सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना है, देन ये आपका सेलेक्ट हो गया है और आपका BN एप्लीकेशन में आ जाएगा। सो वेट कर लेते हैं। देन जान देख सकते हो हमारे BN एप्लीकेशन में आ गया है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक फिट का ऑप्शन है, इस फिट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टैप करना है। देन टैप करने के बाद आपका एक फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है एंड आपको दोबारा से अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो पर टैप करना है। देन टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है क्रोमा की का, इस क्रोमा की वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टैप करना है। देन टैप करने के बाद इस प्लस वाले आइकन को उठा के आपको कुछ इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन पर घुमा देना है एंड घुमाने के बाद आपको इंटेंसिटी को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, लाइक 30 या 31 के करीब आपको रख लेना है। जितना आपकी इच्छा करे उतना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सो रखने के बाद आपको यहाँ पर राइट के निशान पर टैप कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको अपनी
नीचे वाली फोटो पर आपको टैप करना है। देन टैप करने के बाद आपको अपने फिंगर से कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। ज्यादा मत करना वरना आपका वीडियो यहाँ से खराब हो जाएगा जान। तो देख सकते हो मैं यहाँ से एडजस्ट कर लिया हूँ। देन एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है। सो यहाँ से हमारे फोटो एडजस्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड आपको वीडियो फोटोज पर टैप करना है। यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर यहाँ से आपको एक इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सो इफेक्ट पर यहाँ पर टैप करेंगे एंड ये टेम्पलेट इफेक्ट हमारा आ गया है। एंड आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है जान, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है फिट का, इस फिट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टैप कर देना है एंड ये आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा। एंड आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टैप करना है। एंड टैप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसको एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है स्क्रीन का, इस स्क्रीन वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टैप कर देना है और आपको राइट के निशान पर टैप कर देना है। ये इफेक्ट हमारा लग गया है और आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है। अब आपको म्यूजिक ऐड करना है तो आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा प्लस के आइकन पर एंड आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर दोबारा से टैप कर देना है। यहाँ से आपका जहाँ का भी म्यूजिक हो आप अपना म्यूजिक सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड आपको यही म्यूजिक लगाना है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। या आपको अपना वीडियो का आइडियो लगाना है तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर टैप करके यहाँ से आपको स्ट्रेक फ्रॉम वीडियो करना है। यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, आप अपना वीडियो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से मैं पहले से ही अपना आइडियो बनाया हूँ तो यहाँ पर मैं चूज के ऑप्शन पर गया एंड यहाँ से आपको राइट के निशान पर टैप कर देना है एंड ये आइडियो आपका यहाँ से लग गया है। एंड देख सकते हो आपकी वीडियो यहाँ से बनके रेडी हो गई है जान। मैं आपको एक बार प्ले करके यहाँ से दिखा दे रहा हूँ एंड देख सकते हो जिस तरह वीडियो आपने प्रीव्यू में देखा था उसी तरह का वीडियो यहाँ से हमारा बनके रेडी हो गया है जान। अब आप भी इसी तरह का वीडियो बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है और आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। सो अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना है एंड टैप करने के बाद आपको बिटरेट को हाई करना है। हाई करने के बाद आपको यहाँ से अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है जान कि आप लोफी स्टेटस एडिटिंग करना सीख गए हैं। अगर सीख गए हैं तो जाकर मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें मटेरियल डाउनलोड करना ही नहीं आता, तो भाई आपको टाइटल पर क्लिक करना है, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद हमारा मटेरियल आ जाएगा, वहां पर टाइप करना है एंड आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टाइप करना है एंड यहाँ से आपको मटेरियल डाउनलोड कर लेना है। सो अगर आपको बीएन एप्लीकेशन से अपनी वीडियो फोटो को ब्लर करने में कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप इस वाली वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी वीडियो फोटो को करना सीख जाए होंगे। वीडियो पसंद आ गया तो भाई के लिए एक लाइक किए बगैर मत जाना एंड मैं आपसे मिलूंगा किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड